देखिए केला पानी का तो आराम होगा। अच्छा, बहुत ही जोर शोर से शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब लोग ले रहे हैं एकदम। बचपन में बहुत खाते थे इसको उंगली में ऐसे लगा के। अच्छा, ये 10 रुपए का, ये 20 का है। अच्छा, बांस का है ये। देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड एकदम, काफी भारी ही है ये तबला। 2200 का है ये। तो मछली पकड़ने वाला ये फंसी जाल है। जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं यहाँ राजनगर में, जमशेदपुर से कुछ 40 किलोमीटर दूरी है। 1 घंटा लगा मेरे को यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पे हर सप्ते वेंसडे को हाट लगता है, राजनगर हाट, सुबह में वही 10 बजे से शाम तक लगता है। तो अभी तो 3 बज रहा है और बहुत ही बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा कीचड़ उचड़ हो गया है। तो तब से तो वेट ही कर रहे थे कि थोड़ा बारिश कम हो जाए, धीमी हो जाए, ताकि हाट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो अब जाके देखते हैं क्या मिल रहा है, क्या क्या है हाट में। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे इस वीडियो में। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो मेन रोड से जस्ट उस तरफ ऐसे बहुत सारा गली रहता है, तो ये एक गली है। और हाट एक्चुअली में अंदर बहुत बड़ा एरिया है, हम एक बार देख कर आए थे। और यहीं से दुकान वकान चालू हो गया है। अब देख सकते हैं रोड का हालत अभी बहुत ख़राब हुआ पड़ा है बारिश के वजह से, पूरा पानी कीचड़। तो हम नहीं भूलेंगे शॉपिंग करने के लिए, सबसे फेवरेबल डे होगा बिकॉज ऑफ द रेन। एंड कुछ कपड़े उपड़े का दुकान यहाँ पे, ये क्या है, पुष्पा का शर्ट यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है नाइकी, एडिडास, प्यूमा, सबका वो तो सबका ब्रांड का एकदम ड्रेस यहाँ मिल रहा है। मोबाइल कवर कितना, जैसे टी शर्ट का हमको लेना होगा ये सब, तो कितना में मिलेगा सबसे कम दाम में? जोड़ा 150। अच्छा, और ये सब पैंट वेंट, ये सब छोटा छोटा पैंट, ये 120 का है, 130 का है, 100। और जोड़ा में लेने से क्या कम में देंगे? केला पहनने का तो आराम होगा। अच्छा हाँ, ये तो घर में पहनने के लिए सबसे बेस्ट है। एकदम छोटा मुँह फटा है। अच्छा, और यहीं रहते हो तुम? नहीं, हल्दी पोखर। हल्दी पोखर से? हल्दी पोखर में भी तो हाट लगता है, वहाँ भी लगाते हैं, वहाँ भी लगाते हैं दुकान। पोखर आगरा है। अलग अलग सेक्शन रहता है यहाँ पे, कहीं कपड़े मिल रहे होते हैं, कहीं सब्जियाँ मिल रहा होता है, कहीं बर्तन, कहीं कुछ। तो आगे चल के और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। और बहुत ही जोर शोर से शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब लोग ले रहे हैं एकदम। अगर आपका बार्गेनिंग स्किल्स अच्छा है तो आपको बहुत सस्ते में भी मिल सकता है, बिकॉज ये एक लोकल यू नो विलेज हाट है, ट्राइबल मार्केट है। तो अगर आप लोकल है यहाँ का खास करके, या आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज पता है, संथाली ही बोला जाता है ज़्यादातर, तो जहाँ तक हमको पता है, तो आप अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे फल वल, और फिर से ये टॉर्चेस वगैरह। आई थिंक बारिश के वजह से बहुत शॉप्स तो शायद खुले भी नहीं होंगे, क्योंकि इतना भयानक रास्ता, मतलब चलने में मुश्किल हो रहा है। तो आप अच्छे दिन में आइएगा, जब आप अगर कभी आइएगा यहाँ विज़िट करिएगा। इसका दाम क्या है? 5 रुपया करके। ये बचपन में बहुत खाते थे इसको उंगली में ऐसे लगा के, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। फिर से बड़े बड़े कंपनियों का बैग यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फर्स्ट कॉपी होते हैं। जैसे यहाँ फिर से एडिडास, स्काई बैग्स, सब तरह के बैग यहाँ मिल रहे हैं। इसका दाम क्या है? 200 रुपया का छोटा सा बैग, प्यारा सा। और यहाँ गमछा मिल रहा है, इधर छाता भी मिल रहा है। छाता भी? कैसे दाम है छाता का? छाता 100 है, गमछा 40 रुपया है। 40 रुपये का गमछा? गमछा दिखा सकते हैं एक बार? हाँ दिखा सकते हैं। दिखाइए। तो काफ़ी सस्ता में आप बेच रहे हैं, 40 रुपये में एकदम इतना बढ़िया गमछा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है अचानक से एकदम इन मसालों का।
और ये सोयाबीन चंक्स भी है यहाँ पे, कुछ कुछ दाल पल्सेस वगैरह, चना वना सब मिल रहा है। अब मार्केट जो है कैसा फैला हुआ है, ऐसे ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा किधर से जाए। तो अब इधर से ही पहले जाके देखते हैं, घूम के उस साइड एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे ये भाई हल्दी बेच रहे हैं, ये 10 रुपये का, ये 20 का है। से हम हल्दी का वेट पूछ रहे थे, हमको लगा ग्राम या कुछ एक कुछ किस में मिलता होगा पॉच में, लेकिन वो एक ऐसे गोला में मिल रहा था 10 रुपये का गोला। और ये बाल्टी वगैरह भी यहाँ पे है, ये सब नहाने धोने का बाल्टी उल्टी, प्लास्टिक का कुछ कुछ सामान, सब कुछ ये वीकली हाट में अवेलेबल है। ये वाला क्या है, दातुन? ये कितने का है? 10 रुपये का ये पूरा बंडल? अरे वाह, तो इससे ज़्यादा नेचुरल और अच्छा आप क्या ही हो सकता है। पूरा एक बंडल आपको 10 रुपये में मिल रहा है। एंड यहाँ पे सब्जी मंडी का सेक्शन चालू हो गया है, तो काफ़ी सब्जियों का यहाँ शॉप्स देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के। यहाँ सेब मिल रहा है, कैसे? 70 रुपये किलो। 70 रुपये का एक किलो? 150 किलो। अरे वाह, बीट रूट, इतना बड़ा बीट रूट पहली बार देख रहे हैं। मेरा फेस का ऑलमोस्ट साइज का है ये। कैसे है बीट रूट? 30 रुपये किलो। 30 रुपये 1 किलो। सावन खत्म, लहसुन सस्ता हो जाता है। 100 रुपये में 3 किलो। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो काफ़ी सस्ता में भी डील्स चल रहा है, ऑफर चल रहा है, सब ऑफर्स आते जाते रहता है, तो आपको लोकल हाट का नॉलेज होना चाहिए ये सब के लिए। ये देखिए सर, गुल सा लौकी है। ये कैसे है? मतलब किलो बेचते हैं? पीस, एक पीस 20 रुपया। एकदम लंबा लंबा भिंडी हम बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका लंबाई कितना ज़्यादा लंबा है। ये बहुत ही बड़ा भिंडी है, यहाँ गाँव का एकदम फ्रेश नेचुरल ऑर्गेनिक सब कुछ यहाँ मिल रहा है। मतलब आई डोंट नो कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक है, बट फ्रेश है इतना भरोसा है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो लोग ही यहाँ पे आके यू नो हाट यहाँ पे लगाते हैं और बेचते हैं, ताकि अपना प्रोड्यूस से कुछ अर्न कर सके। और आप ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे छोटा हाथी में लोग ऐसे लोड होके जाते हैं, अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ माध्यम है। एंड यहाँ पर बहुत भीड़ नज़र आ रहा है, लगता है यहाँ पे प्याज बहुत ही सस्ता में मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश, वहाँ तभी गोल लौकी था, अब एकदम लंबा वाला लौकी, आप देख सकते हैं दोस्तों 10 रुपीज़ पर पीस, एकदम फ्रेश और एकदम बड़ा साइज का। मेरे को तो नहीं लगता आपको मिलेगा ऐसा लौकी शहर में, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा दाम में मिलेगा। तो सब्ज़ी मंडी तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, और बहुत एक्सप्लोर कर लिए, अब उस साइड चलते हैं और जाके देखते हैं। तो विलेज एरियाज़ में यही होता है कि वीकली बेसिस पे या हर 2 दिन ऐसे मार्केट लगता है, ऐसा नहीं है कि शहरों जैसा हर दिन मार्केट। यहाँ पे लड़कियों के लिए जो सामान, गहने वगैरह ये सब, रुमाल और ये पर्स वगैरह ये सब मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पहल का लोगो भी है इसमें। क्या दाम है भैया इसका? 160 रुपये। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के हैं यहाँ पे, अंगूठी इयर रिंग सब यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे आप इन लेडी को देख सकते हैं, रास्ता का बीच में हल्दी बेच रही हैं। और ये क्या है? हाई भाई। हाँ? हाई। ना। ये दवाई का यूज का है कि कुछ खाने का ही है? खाने का। अच्छा, खाने का। कैसा लगता है इसको खाने में? इसको अचार बनेगा ना? अचार बनता हाँ। है ये क्या है, पौधा का है क्या? बांस का है ना वो। अच्छा, बांस का है ये हाँ। तो और ये भी उसी का क्या? कैसे देते हैं, कितना दाम का है? 20 का। ये 10 का, ये 20 का हाँ। है वो लगा तो 40 का। ये क्या लाएगा? तो ये क्या बोलते हैं इसको? गोरोत हाँ। गोरोत बोलते हैं इसको, बांस का कुछ है, तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। ना? हाँ। बहुत ही
अजीब टाइप का स्वाद है, एकदम खट्टा खट्टा स्वाद है। हाँ। एक बार 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 है। इसको खाने से क्या फायदा होता है? अच्छा, काफी अजीब सा टेस्ट था, एकदम अर्दी टेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्ता वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। ये क्या जिसका पत्ता है? नहीं, आप अपना भाषा में ही बोलिए, कौन सा पेड़ का है ये? कौन सा पेड़ है? हाँ, रामा लामा लामा पेड़ का है ये। इसका क्या खाने के लिए यूज होता है, मतलब उसको पर? अच्छा, पूजा वूजा में यूज होता है। और ये तो सार्जम है ना? और यहाँ पे दातुन भी मिल रहा है, और ये सार्जम का दातुन है। कैसे है ये? 10 रुपये का बंडल। तो हम लोग हमेशा नीम का दातुन देखते हैं, लेकिन यहाँ सार्जम का दातुन देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ का लोकल चाट। लाल लाल ग्रेवी है इसमें, और कुछ मसालों का मिक्स, और आलू है, और थोड़ा सा घुगनी। खा के देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का लोकल चाट। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था अंकल। तो 10 रुपीज़ के हिसाब से अच्छा स्नैक्स है चाट, अच्छा लगा खा करके। और यहाँ भी मिल रहा है बहुत कुछ, भाई कुछ मिठाई और चनाचूरी सब बेच रहे हैं। और यहाँ पे पकौड़ी, और ये क्या है? गुलगुला। कैसे है ये? 10 का 10 पीस। तो खाने का तो कमी नहीं है यहाँ पे, खा के देखते हैं ये सेव का लड्डू कैसा लगता है। हल्का सा पीका पीका है। और यहाँ पे बैम्बू का सामान सब मिल रहा है, तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। कैसे, कितने का है ये? 80 रुपीज़ का है ये। और ये सब बास्केट, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है। तो ये बांस झाड़ू है यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्लेट्स वगैरह है, क्या है ये? कुदड़ी, बांस का है, कुदड़ी है ये बांस का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्ले का पॉट्स भी यहाँ मिल रहा है, घड़ा वगैरह। चिट्टी का है, देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड, एकदम मस्त बनाया हुआ घड़ा यहाँ मिल रहा है। ये छोटा छोटा दिया और गुल्लक भी है। हणिया वाला, इससे हणिया बनता है, इसको मतलब डालने के बाद जो बनाते हैं इसी से बनता है। अच्छा, कैसे है ये? 20 रुपया का पैकेट। 20 रुपये 10 रुपये। अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याजी, आलू चॉप, गुलगुला सब यहाँ मिल रहा है, खाने पीने का, जलेबी। ये फास्ट फूड सेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ पे चिकन शॉप है। रास्ता देख ही सकते हैं कितना ख़राब रास्ता है, जूता का तो बैंड बजा पड़ा है। यहाँ तो छोटा सा नदी फॉर्म हो गया है। एंड ये नॉन वेजिटेरियन सेक्शन आ गए हैं, यहाँ पे मछली का शॉप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये मुर्गी बेच रहे हैं, एक 400 रुपये का एक। उस साइड मटन वगैरह मिल रहा है, तो उधर हम जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा हाट यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। एंड ये देखिए, ये क्या है? नारियल, ताल। अच्छा, ताल।
ये ताल है, पिठा बनता है। अच्छा कितने का है ये? 10 टका एक पीस। एंड ये झोला और फिर से कुछ कुछ घरेलू सामान। अरे वाह, यहाँ पे ये छोटा तबला बेच रहे हैं। ये वाला कितने का है? काफ़ी भारी ही है ये तबला। अच्छा कुछ यूनिक देखने को मिला ये तबला। ढोलक कितने का है ये? 150। और ये तबला? ये 1500 का है। देखकर ही पता चल रहा था इसका जो भार और इसका क्वालिटी। और भी बहुत सारा सामान है लेकिन ये मेरे को सबसे यूनिक लगा यहाँ पे, ये तबला। और अब देखिए ये इतना बड़ा सा, बड़ा बड़ा कढ़ाई में यूज़ होने वाला। तो सब तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही है। एंड ये सौ भी है यहाँ पे। यहाँ पे कई प्रकार का अचार है, बैम्बू का, बांस का अचार। यहाँ पे देखते हैं क्या दे रहे भैया। ये क्या है, काचा और साड़ी वगैरह सब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये सब जो ट्रेडिशनल संथाली आदिवासी लोग यहाँ पहनते हैं, सब तरह के यहाँ कपड़े हैं। भैया इसका दाम कितना है? 250 का है ये। और ये सब क्या है? ये साड़ी सब है। साड़ी सब भी है बहुत तरह का, अलग अलग डिज़ाइंस। तो बहुत तरह के कपड़ों के दुकान हैं। इधर भी जाएंगे तो वहाँ भी मेरे को दिख रहा है साड़ी और वो काछा वगैरह का शॉप। एंड यहाँ पे कुछ कुछ अब बर्तन का दुकान चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब का यहाँ सारा यूटेंसिल्स मिल रहा है। स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। ये क्या चीज़ का है? ये क्या चीज़ का है? पीतल, पीतल का है ये। अच्छा खासा वेट है इसका। कितने का है ये? 2200 का है ये। एंड यहाँ पे कुछ साबुन, सर्फ, ये सब है, कुछ घरेलू कपड़े वपड़े धोने का सामान। ये क्या है? नकली बाल। कुछ कूल चश्मे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे चश्मे हैं। टिकटॉक डॉक्टर, अगर आप मोटो जीपी देखते हैं तो आपको पता होगा। और यहाँ पे ये सब सिकल वगैरह है, 220 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा टूल्स, इम्पोर्टेंट टूल्स यहाँ मिल रहा है। एंड ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर फिश नेट्स, 250 रुपया का है ये। इसको क्या बोलते हैं? फंसी जाल। तो मछली पकड़ने वाला ये फंसी जाल है, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो कितना? वही 220 का है ये, मतलब 200-300 का सब मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉपी किताब भी कुछ कुछ मिल रहा है बच्चों के यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ चावल बेच रहे हैं ये भैया, 20 रुपया किलो ये चावल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का गांव का चावल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हंडिया का सेक्शन है, जो कि एक लोकल संथाली यू नो विलेज
अल्कोहलिक ड्रिंक, बियर सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, राइस बियर, तो यहीं पे मिल रहा है हनिया। आप देख सकते हैं लोग सब यहाँ बैठ के पी रहे हैं। तो गाइज ये दो प्याजी ले लिया है हमने 5 rupees ईच एज अ चकना, एंड ये हनिया ले लिया है 10 rupees का, ये बाटी है। तो ये राजनगर हाट का यहाँ लोकल ट्राइबल ये अल्कोहलिक ड्रिंक हनिया ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा ही है, खट्टा है थोड़ा बट अच्छा टेस्ट है। काफ़ी अच्छा है आंटी। एंड थोड़ा सा ये प्याजी खा के देखते हैं। तो गाइस ये हाट जो है सुबह से चालू हो जाता है और शाम तक 8 बजे बंद हो जाता है ये हाट। और ये बोले कि भाई साहब कि संडे को भी छोटा सा, संडे को हाट लगता है ना छोटा सा, संडे संडे को भी लगता है, लेकिन मेनली जो है वेंसडे वाला जो मेन है हर वेंसडे। तो दोस्तों मज़ा आ गया प्याजी खा करके और हनिया पी करके, काफ़ी मज़ा आया एक्सप्लोर करके राजनगर का हाट। और लास्ट में कुछ अच्छा यू नो खा पी भी लिए। देख सकते हैं ये ऐसे मेन रोड है और ऐसे करके अलग अलग जगह गलियां हैं, उस तरफ से भी आप आ सकते हैं अंदर। और यहाँ जो है ये हाट बहुत बड़े एरिया में, उधर बहुत बड़े एरिया में उस तरफ फैला हुआ है यू नो एक ट्रायंगल शेप में। तो गाइज होप आप लोग को मज़ा आया होगा मेरे इस नए वीडियो में। आपको जैसा भी लगे हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आ गया है वीडियो को अब ख़त्म करने का समय। तो अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।